जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान अली अनवर, आप खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हम शाहीन विलास में मौजूद हैं और शाहीन विलास का जो ओवरसीज ब्लॉक है वो इस वक्त उसमें तरक्याती काम जारी हैं और इनके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हेड हैं, जो हेड हैं इनके, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितना काम इस वक्त हो चुका है, कितना मजीद होने वाला है और ये जो ओवरसीज ब्लॉक है ये कितने अरसे में मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पर जो घरों की तामीर है वो शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले आपने शाहीन विलास के हवाले से, फेज थ्री के हवाले से और फिर जो ओवरसीज ब्लॉक है इस हवाले से आपने नाजरीन को आगाह करना है। जी, सबसे पहले तो शाहीन विलास की जो डेवलपिंग हुई है माशाल्लाह, पहले से जो फेज वन डेवलप हुआ है उस मार्केटिंग के लिहाज से, हर लिहाज से लोगों के घर इतने ज्यादा बन चुके हैं फेज वन में, उसकी कामयाबी के बाद अब फेज थ्री की लॉन्चिंग हुई है जिसमें भी हम तकरीबन हम 40-50% हम ज्यादा काम डेवलपिंग कर चुके हैं। इसमें हमारे पास हमारे एक 80 फुट रोड है और लिंक रोड जो हमारे हैं वो 40 फुट है। तो मेन रोड है, हाँ मेन रोड है वो हमारा 80 फुट है। बाकी इसकी बाउंड्री वाल को देख लें, सीवरेज को देख लें, बाउंड्री वाल हमारी ऑल ओवर कंप्लीट है और जो सीवरेज हमारी वो भी मेन बुलेवार और लिंक रोड जो लिंक रोड पे जो सीवरेज है वो भी हम काफी कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हाँ, अभी हम बस चंद गलियों की जो रहती है हमारे पास नॉर्थ में वो उसकी है थोड़ी सी, और बाकी देख लें कि हमारे माशाल्लाह घर की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये देखें पीछे पार्क के साथ कमर्शियल भी है हमारे पास, कमर्शियल के रेजिडेंशियल प्लॉट और दूसरे प्लॉट और हर तरह की वर्किंग यहाँ पे हो रही है। और जो रोड का काम है स्ट्रक्चर का वो ऑल ओवर कम्प्लीट है और सब ग्रेड बाकी जो लिंक रोड है इनके हमने वो सब ग्रेड लेवल है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम स्ट्रक्चर करेंगे और पत्थर डाल के हमारा फाइनल जो लेयर आएगी कारपेट की वो हम डालेंगे। अच्छा। इसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक कैसे मुख्तलिफ है बाकी फेजेस से, अगर आप बताना चाहें? जी, मुख्तलिफ इस तरह से है कि देखें 2 एकड़ का पार्क हमने डिजाइन किया हुआ है। अच्छा। तो इसमें देखें इसमें 7 फुट का वो ट्रैक है कैट वॉक करने के लिए और लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी आप खुद भी देख सकते हैं, हमने इसको प्लांट्स लगा के झील है और ये सारा कुछ देखें हमने प्लान किया। सिटिंग एरिया है, चारों एज इसके हैं, इस पर कनोपी लगाई हुई है, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो देखें बैठने के लिहाज से, पब्लिक के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, हर लिहाज से ये पार्क बहुत अच्छा है। अब वैसे आप नजर भी आ रहा है कि आने जो बाउंड्री वॉल है वो कंप्लीट कर चुके हैं आप, और ओवरसीज ब्लॉक के अलावा भी कोई इरादा है आपको, आपका आगे काम बढ़ाने का? जी, हमारा बिल्कुल इरादा है आगे, हम इंशाल्लाह जो मेन फैसलाबाद रोड जा रहा है ना, तो हमारा इरादा है कि हम अगले नेक्स्ट जो इसका गेट है मेन गेट वहाँ से इसको लॉन्च करें। अच्छा। और इधर से एंट्री होगी और वहाँ पे हम दूसरा गेट इसका लॉन्च करेंगे। अच्छा। ओवरसीज ब्लॉक में इस वक्त जो प्लॉट है वो बिकने शुरू हो चुके हैं? जी, यहाँ से जो प्लॉट है वो हाफ से ज्यादा तकरीबन सेल हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं आगे, क्योंकि इसकी मेन वजह है कि हमारा यहाँ पे रेट्स बाकी जो कॉलोनी उस लिहाज से बहुत कम है। आपने सर की बातें सुनी कि रोड्स के हवाले से, रोड्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ तकमील के मराहिल में हैं और जिस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये रोड भी बड़ा शानदार बना हुआ है और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो जो ओवरसीज ब्लॉक है उसमें जो तरक्याती काम है वो भरपूर अंदाज से जारी है, जो जो इन्होंने वादे किए थे आवाम के साथ वो अब यहाँ पर पूरे होते नजर भी आ रहे हैं। जी